नमस्कार द खबरदार न्यूज में मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देशद्रोहियों को नहीं मिलेगी यूपी में जगह। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर दर्ज होगा केस। आपको बता दें, पिछले रविवार दुबई स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट महामुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी। किसी भी तरह के वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ यह कामयाबी पहली बार मिली थी। वहीं भारत के पाकिस्तान से हारने का दुख हर देशवासी की आंखों में दिख रहा था। पाकिस्तान की जीत का जश्न जहां पड़ोसी देश में मनाया गया, वहीं भारत में भी कुछ जगहों पर खुशी का माहौल दिखा। हालांकि ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सख्त हो गई है और उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश सीएम कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर के अकाउंट से पोस्ट कर यह जानकारी दी गई है। बता दें, प्रदेश के 5 जिलों में 7 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान की जीत के दौरान जश्न मनाया, पटाखे फोड़े और नारे भी लगाए। इसके अलावा 4 लोग हिरासत में भी लिए गए। इन सभी पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि इन 4 जिलों में दर्ज हुए थे केस, जहां पर पहला जिला है बदायूं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक बदायूं का है। भारत की शिकस्त के बाद 24 अक्टूबर को आरोपी ने अपने फेसबुक पर पाकिस्तानी फ्लैग की फोटो पोस्ट करते हुए उनकी जीत की खुशी मनाई और पाक के समर्थकों में पोस्ट किया। इसके अलावा बरेली के 2 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। इनका आरोप है कि दोनों ने पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए व्हाट्सएप स्टेटस डाला और विरोध करने वालों से अभद्र भाषा में बात की। बरेली से ही एक और व्यक्ति ने व्हाट्सएप के स्टेटस पर पाकिस्तानी खिलाड़ी का समर्थन किया। इतना ही नहीं, उसने भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया। तीसरी जगह है सीतापुर। सीतापुर में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। इसे लेकर एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया और अभी भी वह पुलिस की गिरफ्त में है। चौथी जगह है आगरा। वहीं आगरा के जगदीशपुर थाने में दर्ज केस में आरोप है कि इंडिया की हार पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई और भारत विरोधी नारे लगाए गए।